हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं एक्सो अमी का एक नया क्यू एन ए वाला एपिसोड। और मेरे को पता है मैंने लास्ट संडे क्यू एन ए मिस कर दिया था यार, कुछ मजबूरी हो गई थी तो यार मैं नहीं बना पाया। तो यार आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज मैं लेकर आ गया हूं, बड़े सारे क्वेश्चन कर दिए यार तुमने फिर से कम्युनिटी टैब में, तो यार मजा आ गया देख के। तो भाई इन क्वेश्चन में से मैं सारे जरूरी क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा। तो यार जिनका रह जाए उनके को सॉरी कहूंगा यार, सारे क्वेश्चन तो नहीं उठा पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर जितने इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है वो जरूर ले रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही, एक बार बेल बटन को ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लो और वहां पे ऑल को सेलेक्ट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो यहां पे पहला जो है वो फोन के मास्टर जी एक बहुत बड़ा रैपिड फायर कर रहे हैं, तो इनको तो यहां पे उठाने पड़ेगा रैपिड फायर, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। और यहां पे पूछे एस आर के या सल्लू भाई, तो यार दोनों में कंपेयर करूं, मेरे को थोड़ा सा सलमान खान ज्यादा अच्छा लगता है, बट दोनों की यार एक्टिंग कमाल की है। और एम के बी एच डी या टी जी दोनों बढ़िया है, बट एम के बी एच डी माई फेवरेट। सो सैमसंग फोल्ड या मेट एक्स, यार थोड़ा बहुत मेटेक्स जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आया, मुझे सैमसंग फोल्ड ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे नहीं पता फोल्ड यार अंदर को होना चाहिए, मेटेक्स बाहर को होता है, ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगा। वेज वर्सेस नॉन वेज, तो डेफिनेटली नॉन वेज हूँ मैं, तो नॉन वेज सेलेक्ट करूंगा। यूके वर्सेस यूएस, मैं दोनों में नहीं गया तो पता नहीं। खतरों के खिलाड़ी वर्सेस बिग बॉस, मेरे को दोनों ही यार इक्वली पसंद है। गूगल वर्सेस एप्पल, मैं गूगल को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। MIUI कलर OS, MIUI, ZenUI, OneUI, OneUI सबसे बेटर लगती है, और उसके बाद ZenUI, एंड देन बिफोर यूट्यूब एंड आफ्टर यूट्यूब, क्योंकि बिफोर यूट्यूब में बड़ा शाय सा था, मुझे बोलना नहीं आता था, और आफ्टर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। और कॉमेडी वर्सेस टेक कहूँ तो मेरे को टेक ज़्यादा पसंद है डेफिनेटली, क्योंकि मैं टेक में पैशनेट हूं, मेरे को अच्छा लगता है टेक के बारे में जानना, टेक के बारे में बात करना। और वेब सीरीज वर्सेस वाइंस, तो मैं वाइंस ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि यार वेब सीरीज सारी पसंद नहीं आती। जी वर्ड स्विफ्ट की दोनों में से जी वर्ड यूज करता हूं, और ओवरऑल 675 या 710, तो 710 को चूज करूंगा। डिलीटिंग पबजी वर्सेस टिकटॉक, दोनों ही नहीं। डिलीटिंग यूट्यूब वर्सेस इंस्टा, तो इंस्टा डिलीट कर दो चल जाएगा, यूट्यूब के बगैर नहीं चलेगा। हेटिंग पेरेंट्स वर्सेस फ्रेंड्स, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार। और वॉचिंग अनबॉक्सिंग वर्सेस रिव्यू, बायस्ड और अनबायस्ड मतलब, एंड व्यूज वर्सेस सब्सक्राइबर्स, दोनों ही चाहिए बट सबसे ज्यादा आपका प्यार चाहिए, तो लाइक कर दिया करो वीडियो को। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे स्मार्टी या बीट फिर से रैपिड फायर है। Q820 वर्सेस रियलमी एक्स, तो अभी तक तो K20 ही बेटर लग रहा है। Lamborghini वर्सेस 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स का प्यार चाहिए, Lamborghini तुम्हारे प्यार से आ जाएगी। तो कहते टी वर्सेस कॉफी, तो मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है। एंड एप्पल वर्सेस Huawei, तो एप्पल। गुरुजी वर्सेस शर्मा जी, कोई कमेंट नहीं, दोनों का मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैक वर्सेस विंडोज, डेफिनेटली विंडोज। एंड बाय द वे लव यू आर वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। किरण सोलंकी कह रहे कौन सा फोन पबजी के लिए बेस्ट होगा 15,000 में, अभी वीवो का Z1 Pro बेस्ट है 15,000 में, वो ले लो, या फिर रियलमी एक्स का वेट कर लो, वो भी काफी अच्छा होगा। गुरप्रीत कह रहे हैं अगर किसी के पास स्नैपड्रैगन 660 वाला फोन है तो 3GB और 4GB में कितना फर्क पड़ेगा गेमिंग के लिए। यार बहुत ज्यादा वाला फर्क नहीं पड़ेगा, 3GB और 4GB भी है, ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपकी यहाँ पे मल्टीटास्किंग कैसी रहती है। तो 4GB में थोड़ी मल्टीटास्किंग ज्यादा अच्छी रहेगी, बाकी गेमिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुषार भाई कह रहे हैं कि 15,000 में सबसे बढ़िया फोन, और लव फ्रॉम आगरा, थैंक यू सो मच यार। और यहाँ पे 15,000 में इस वक्त Vivo Z1 Pro और कल अभी Realme X लॉन्च हो रहा है, तो उसका प्राइस का वेट कर लो। हिमांशु पूछ रहे हैं कि Redmi 7A और Realme C2 में से बेटर, तो Realme C2 ज्यादा बेटर लगा मुझे स्मार्टफोन। सुशील कह रहे हैं कि Realme X में Snapdragon 710 आएगा या कुछ और आएगा, Redmi K20 कौन सा प्रोसेसर में आएगा, उसकी प्राइस क्या होगी। देखो यार Realme X जो है वो आने वाला है Snapdragon 710 के साथ, और ये जो हमारा Redmi K20 है वो आने वाला है Snapdragon 730 के साथ, प्राइस के लिए वेट कर लो 15 और 17 का। जबर भाई पूछ रहे हैं Max Pro M2 वर्सेस Note 7, तो यार Note 7 ज्यादा बढ़िया फोन है। सक्षम कह रहे PUBG की लाइव स्ट्रीम 4 से कर यार, मतलब टूर्नामेंट भी होते हैं, मेरे को पता है टूर्नामेंट भी होते हैं, पर यार जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो PC से ज्यादा बढ़िया हो पाती है, फोन पे इतनी अच्छी नहीं हो पाती। अब यहाँ पे हमारे लेजेंड अनी कह रहे हैं कि सैमसंग का कोई और फोन M सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा 2019 में, तो डेफिनेटली आएगा यार, तो वेट करो काफी फोन आएंगे यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। डिट्टो गेमर पूछ रहे हैं Mi A3 वर्सेज Redmi K20, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डाउट होगा, अभी Mi A3 के बारे में डिटेल्ड एकदम पूरी स्पेक्स लीक होने दो फिर बताऊंगा। अली कह रहे हैं कि यार मतलब बुक कर दिया इन्होंने अल्फा सेल में अपना K20, दोनों जगह Flipkart और Mi.com मिल जाएगा आपको यार। प्रीतिश पूछ रहे हैं क्या आप टाइट से नहाते हो, रोनी जोक। टाइट से नहाता हूँ, हार्पिक के यहाँ पे सस्ते नशे करता हूँ, डेटॉल भी पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ यार।
योर सिली मिस्टेक कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक Asus Max Pro M3 लॉन्च करे तो कितने लोग लेंगे, सीइंग द बैकलॉग ऑफ Zenfone Max Pro M2। यार पता नहीं कितने लोग लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं Max Pro M3 का, और Max Pro M2 काफी अच्छा फोन था, वो तो यार सॉफ्टवेयर ने खराब कर दिया, अब पता नहीं है अगले फोन के साथ क्या करेंगे। सायन बैनर्जी कह रहे 6.1 प्लस में एंड्रॉइड क्यों आएगा, क्या आना चाहिए क्योंकि एंड्रॉइड वन डिवाइस है, तो यहाँ पे मैं भी वेट कर रहा हूँ कि यार पता चले कि नोकिया क्या करने वाला है। इमरान खान ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, K20 वर्सेस K20 प्रो कौन सा फोन लेना सही होगा। देखो यार बजट पे डिपेंड करता है, अगर आप 5000 ज्यादा खर्च सकते हो तो K20 प्रो ज्यादा बढ़िया फोन है। अब यहाँ पे रियलमी एक्स वर्सेस K20 डायरेक्टली आंसर तो K20, और K20 में कैमरा सोनी IMX582 है, तो क्या 586 को टक्कर दे पाएगा? यार नहीं, 586 को एग्जैक्ट टक्कर तो नहीं दे पाएगा। ये रेडमी नोट 7 प्रो से थोड़ा सा बेटर फोटो खींचता है, बट यहाँ पे K20 प्रो जैसी फोटोज नहीं खींच पाएगा। स्नैपड्रैगन 730 वर्सेस 710, ऑब्वियसली 730 ज्यादा अच्छा है भाई। म्यूजिक फॉर यू यहाँ पे Z1 प्रो का पूछे कि हीटिंग इशू, तो मैं आपको बता दूं यार मैंने अभी तक नहीं सुना कि Z1 प्रो जो है वो बहुत ज्यादा हीट कर रहा हो। प्रीति पूछ रही है कि यहाँ पे Max Pro M2 में अभी अपडेट करना सही रहेगा, यार पाई अपडेट करने के बाद Max Pro M2 की जो यहाँ पे जो वाट लगी है ना वो तुमको नहीं पता, तो पाई में मत ही जाओ, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे हमारे सैनी भाई बोल रहे हैं कि लव यू भाई, लव यू टू ब्रो, और कह रहे हैं कि यार Z1 प्रो वर्सेज Redmi K20 कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर है। तो यार Redmi K20 ऑब्वियसली अपने प्राइस के हिसाब से ऑलराउंडर है, और वीवो का जो फोन है वो अपने प्राइस के हिसाब से, आपको प्राइस के हिसाब से चूज करना होगा भाई। जतिन वर्मा ने काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया, कह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, इसको गूगल में करो आपको सही आंसर मिलेगा, बहुत लंबी डेफिनेशन हो जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सबसे बड़ी बात यही है कि वो सॉफ्टवेयर का काम करता है भाई, सीधी बात है, डेवलप करता है और काफी कुछ करता है, सिर्फ डेवलप नहीं करता, और साथ ही साथ MHG पर लाइव रोज में नहीं कर पा रहा क्योंकि आपको पता है डैग का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है मुझे, तो यहाँ पे लाइव जो है वो संडेस को आती है, और यहाँ पे आज भी आएगी, और साथ ही साथ बता दूं MHG के ऊपर गेम पे साथ रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आने वाली है, तो अगर जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वन एपिक अगेन यहाँ पे रैपिड फायर ऑनर 20 वर्सेस Asus 6Z, मेरे को Asus ज्यादा पसंद है, क्या आपको लगता है कि Huawei का Hong Bang OS सक्सेसफुल होगा? अभी इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जब ये सामने आएगा पता चलेगा। ओके, तो लो छाप साहब ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना भाई, कर लिया। हमें फ्यूचर में इस चैनल में और क्या क्या देखने को मिलेगा, इस चैनल के ऊपर आपको यार आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, गिव अवेज, और साथ ही साथ यार और भी काफी तरह की मैं वीडियोस यहां पे करूंगा, कोलैब्स वगैरह लेकर आऊंगा, तो आपको मसाला आने वाले टाइम में बहुत मिलने वाला है। मेगा मनोज पूछ रहे हैं कि रेडमी K20 का कैमरा जो है वो लैगी है नोट 7 प्रो की तरह, तो बिल्कुल भी नहीं है, और 16 तारीख की वेट करो, मैं 16 तारीख को K20 की अनबॉक्सिंग लेकर आ रहा हूं, और उसके अंदर एक स्मार्टफोन का गिव अवे भी होने वाला है। तो यहां पे पूनम पूछ रहे हैं कि मी बैंड 3 वर्सेस गैलेक्सी फिट ई, तो यहां पर मैं कहूंगा यार मी बैंड 3 काफी बढ़िया है इसके मुकाबले में सैमसंग बैंड से, और यहां पे पोको F1 वर्सेस V15 प्रो, तो ओवरऑल पोको F1 ज्यादा पावरफुल है, बट V15 प्रो को मैं पिक करूंगा। नृपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि K20 प्रो वर्सेस OnePlus 7 जनरल यूज के लिए, तो यार K20 प्रो को अभी रिव्यूज आने दो, उसके फाइनल रिव्यूज, फिर कंपेयर करते हैं कि OnePlus 7 से कितना बेटर होगा, क्योंकि K20 प्रो को अभी सही तरीके से मैंने यूज नहीं किया है। मयूर जी कह रहे हैं Realme 3i की प्राइस एक्सपेक्टेशन, तो मेरे को यार जहां तक लगता है 700 या 7500 तक इस फोन को यहां पे रखना पड़ेगा। तो गाइस ये थे सारे आज के Q&A के क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, एंड आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिला हो, और यार कुछ क्वेश्चंस यहां पे रह गए हो तो टाइम की पाबंदी होती है आपको पता ही है, तो आपका क्वेश्चन अगली बार उठा लूंगा यार जो भी है, तो गुस्सा मत करना। तो यार बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और मैं आपको फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। तो यार वेट करो, आपको रियलमी एक्स के साथ भी गिव अवे मिलने वाला है, और रेडमी K20 के साथ भी गिव अवे मिलने वाला है, तो कल की वीडियो 16 की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं आपको मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक अपना परेशान वाले रखे ख्याल की स्पेलिंग एंड ऑलवेज चेक इट गाइस, बाय बाय।